इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अमेजन से ये स्मार्ट बुक जरूर बाय कर लीजिए, क्योंकि इस स्मार्ट बुक के साथ इस कोर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो परफेक्ट शॉट होगा आपके इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करने के लिए। तो देर मत कीजिए, पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक इस्तेमाल कीजिए, बुक बाय कीजिए, फिर आइए। अब आइए चलते हैं कोर्स पे। और दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन कोर्स। 2016 में मैं SSC CGL के WO के पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था। दो साल लगा था मुझे तैयारी के दौरान, जिस वक्त मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक हुआ करती थी और मैं भी बहुत परेशान रहता था कि इंग्लिश कैसे प्रिपेयर किया जाए। और उसके बाद से लेके 2016 में जब सेलेक्ट हुआ था, चार साल तक मैंने बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की और ये समझाने की कोशिश की कि इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग लेते हो। मैं भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ इस बात को कि उस दौरान पर जब मैं तैयारी कर रहा था मुझे भी बहुत डर लगता था, आप लोगों को भी डर लग रहा होगा। सो उस वक्त यार मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और चार साल पढ़ाने के दौरान मैंने ये भी देखा कि बच्चे क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो मैंने ना उनका एक सलूशन बनाया। मैंने कहा कि चलो यार एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन करते हैं जिसमें जीरो से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट सलूशन बनाते हैं, ताकि बच्चों को जब इस कंबाइंड सलूशन को दिया जाए तो टाइम टेबल फिट करके अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो उनकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। तो मैं इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है ना, ये मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और शुरू से स्टार्ट करके लास्ट तक लेके जाऊँगा हर वो डिफिकल्ट चीज़ जो आपको लर्न करनी हो, सब कुछ पढ़ाऊँगा। ये बिल्कुल शुरू से पढ़ाने का रीज़न ये है कि बहुत छोटे छोटे टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें किंडरगार्टन में पढ़ाए जाते हैं, 8th, 9th, 10th के दौरान पढ़ाए जाते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं और हम लोग लापरवाही में उसे नहीं पढ़ते हैं और फटाफट आते हैं, बुक्स खोलते हैं, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है कि सिलेक्शन तो बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ के हो जाता है। लेकिन अगर छोटी छोटी बातें नहीं पता है तो बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में नहीं आती है, सर के ऊपर से बाउंस हो जाती है और हमारा सारा काम खराब हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं किसी भी बच्चे को, जो इंग्लिश ग्रामर तैयार करने में सिर्फ 3 महीने लगता है, 3-3.5 महीने ज़्यादा नहीं लगता और अच्छे से तैयार हो जाता है, उसके लिए साल दर साल आपको गुजारने की जरूरत है। तो मैं लेके आया हूँ बिल्कुल सीक्वेंस में, मतलब चैप्टर नंबर 01 का नाम दिया है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। इसका नाम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए दिया है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैं हर वो छोटे छोटे टर्म आपको सिखाने वाला हूँ जो आपने बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक सीखा है पर अभी आप भूल गए हो, और उनका रोल इंग्लिश ग्रामर सीखने में बहुत ज़्यादा है। अगर इन टर्म्स को आप सही से नहीं समझोगे तो इंग्लिश ग्रामर को आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो वो होता है ना कि एक बार आपने बेस बिल्ड कर लिया ना, तो ऊपर आप चाहे कितने भी बिल्डिंग्स, मकान, फ्लोर्स बनाते जाओ, सब आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर आपका बेस वीक है ना तो सब ढह जाएगा। तो मैं पहले बेस बिल्ड करता हूं और बेस बिल्ड करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 लेक्चर लगेगा बेस बिल्ड करने में और आपका तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के आसपास समय लगेगा इसको अंडरस्टैंड करने में, उसके बाद फिर आप स्पीड पकड़ लोगे। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 01 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो चलो किंडरगार्टन में चलते हैं। देखो यार, बुरा मत मानना कि सर हम यहाँ तैयारी करने आए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की और आप हमें किंडरगार्टन में ले जा रहे हो। नहीं, किंडरगार्टन में ले चल रहा हूँ और फिर मैं यही दिखाता हूँ कि वहाँ जो आपको पढ़ाया गया ना उससे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किंडरगार्टन की बात करें तो किंडरगार्टन में हम लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाया जाता था, ABCD लेटर सिखाया जाता था, ये सिम्बल्स के शुरुआती दौर पर मतलब सिखाए जाते थे। तो उस पूरे दौरान के बाद 7th, 8th क्लास में पहुँचने के बाद इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन बचपन से हमें यही पता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट होती है, पर एक्चुअली इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं होती है, इंग्लिश एक भाषा होती है। जैसे हिंदी हमारी एक भाषा है, वैसे इंग्लिश भी एक भाषा है, और जैसे चाइनीज भाषा हो सकती है, ऐसे कई भाषाएं होती है। तो इंग्लिश भी एक भाषा है, ये एक सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन हम जब कैरिकुलम में पढ़ते हैं तो इसे सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कई सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं और यार इसको सब्जेक्ट नहीं बोलते, इसको भाषा है, या वो जब हम कैरिकुलम में डालते हैं तो इसको सब्जेक्ट की तरह ही डालते हैं। तो ये वैसे अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो इंग्लिश आपका एक भाषा है। भाषा होता क्या है? भाषा एक मोड है, आदान प्रदान का मोड है। मान लो आप अमेरिका चले गए और आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कैसे उनसे कम्युनिकेट करोगे? मान लो आप चाइना चले गए, उनकी तो यार भाषा ही अलग होती है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब एक देश के लोग दूसरे देश में आने लगे, जाने लगे, या एक भाषा बोलने वाले लोग दूसरे भाषा में के रहने वालों के बीच में आने जाने लगे, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना था, आदान प्रदान करना था चीजों का। तो ऐसे केस में दोनों लोग अलग भाषाएं बोलते थे। अब मान लो ये मेरे पास पेन है, हिंदी में कोई कलम कहता था, तो जिनको पेन नहीं पता है तो यार वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक मोड बनाया गया कि तुम हमारी भाषा सीखो, हम तुम्हारी भाषा सीखे। तो पुराने जमाने में अगर आप जाओगे तो पुराने जमाने में आपको पता था कि लोग साउंड निकालते थे, तब भाषा भी जैसी कोई चीज नहीं थी, साउंड थी। क्या थी? साउंड थी। तो हमें पता कैसे चलता है कि भाषा है? साउंड से पता चलता है हमें कि ये भाषा है। तो इंग्लिश अगर आपकी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज आती कहाँ से है?
लैंग्वेज तो यार हमें साउंड से ही पता चलेगा, डिफरेंट टाइप के साउंड निकलते हैं, तो इस तरीके का साउंड निकलता है तो हम बोलते हैं चाइनीज साउंड है या चाइनीज भाषा बोल रहा है, इस तरीके का साउंड निकलता है तो हम बोलते हैं इंग्लिश भाषा बोल रहा है। तो एक्चुअली किसी भाषा की अगर हम बात करें तो हमें साउंड से पता चलता है भाई वो चाइनीज भाषा है या फिर इंग्लिश भाषा है या हिंदी भाषा है या कोई और भाषा है, तो हमें साउंड से। अब जब बात आई कि भाषा का आदान प्रदान करना सिखाना है, तो साउंड अगर डायरेक्टली समझ में आ जाती, अगर साउंड डायरेक्टली समझ में आ जाती तो बात ही खत्म थी, साउंड समझ में नहीं आ रही थी। तो ये देखा गया कि हम सिंबल बनाए। मान लो मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं, जैसे मान लो एक फल है, फल मैं आड़ा टेढ़ा बना रहा हूं, आप समझ लेना, मैं इसको बोल देता हूं कि मान लो ये सेब है, क्या है ये सेब है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सेब है। अब भाई हिंदी वाले बंदे इसको सेब जानते थे और जो इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग थे इसको एप्पल जानते थे, लेकिन कुल मिला जुला के इसको देख तो सकते थे, हम भी आंख से देख रहे थे, वो भी आंख से देख रहे थे। तो मान लो हमने इसको साउंड निकाला सेब, उसने इसका साउंड निकाला एप्पल, लेकिन अल्टीमेटली ये तो दिखाई दे रहा था ना कि विजिबिलिटी में यही है। तो एक बात ये पाया गया कि दोनों भाषा बोलने वाले सिंबल समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, सिंबल समझ सकते हैं, क्योंकि जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो तो समझ में आ जाएगा। तो भाषा के आदान प्रदान करने के लिए हर भाषा के लिए सिंबल बनाए गए ताकि उनको हम पेपर पे रिप्रेजेंट कर सके। तो हमने क्या काम किया, साउंड्स के लिए हमने सिंबल्स बनाए, क्या बनाए, साउंड्स के लिए हमने सिंबल्स बनाए। तो अंग्रेजी जो भाषा थी इसमें टोटल 26 सिंबल बनाए गए। अब 26 सिंबल्स ही क्यों बनाए गए, भाई उतने ही सिंबल्स बनाएंगे ना जिससे पूरी की पूरी जो है भाषा का आदान प्रदान किया जा सके। तो यह पाया गया कि भाई हम कम से कम सिंबल बनाएंगे, जितना कम सिंबल बनाएंगे उतनी कम मेहनत लगेगी। तो इंग्लिश में 26 सिंबल बना के पूरी भाषा का विकास किया गया। अब 26 यही कोर है भैया, यही बेसिक है, यही कोर है, यही 26 सिंबल्स। और ये 26 सिंबल्स हमें कब सिखाया जाता है, जब हम पैदा होते हैं, सबने सीखा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, और ये पता चला जेड से, समझ रहे ना। तो ए से लेके जेड तक हमें ये बचपन में सिंबल्स सिखाए गए हैं, सबको पता है। अब बचपन में थोड़ा सा हमारा आगे बढ़े तो इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया लेटर्स। और बचपन में कहा ना कि बेटा अल्फाबेट पढ़ लो, तो इन पूरे ग्रुप को, पूरे ए को हम लेटर बोलेंगे, ए बी सी डी से लेकर जेड तक हम इसको लेटर्स बोलेंगे। इन पूरे ग्रुप को एक नाम दिया गया जो बचपन में हमें सिखाया जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हमको बोलते थे अल्फाबेट। और आपको पता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था जिसमें यह लिखा गया था अल्फाबेट्स, ये ग्रुप का नाम होता है, इन लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट बोलते हैं और इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, अल्फाबेट्स नहीं लिखा जाता, ये गलत होता है। अब आप ये देखो, ये तो आपको किंडरगार्टन में सिखाया गया था, क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है। अब चलो ये बात तो आपने सीख ली, अब आपको ये पता चल गया कि ये सिंबल्स बनाए गए, इनको हमने लेटर्स बोला, एक शब्द में इनको हमने अल्फाबेट बोल लिया। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये कहानी, ये 26 सिंबल्स से पूरे भाषा का विकास कैसे हुआ है, इन लेटर से क्या किया गया, इन लेटर से अगली इकाई का विकास किया गया जिसको हमने वर्ड्स बोला, वर्ड से अगली इकाई का विकास किया गया जिसको हमने फ्रेज बोला, और फ्रेज से अगली इकाई का विकास किया गया जिसको हमने क्लॉज बोला, और क्लॉज से अगली इकाई का विकास किया गया जिसको हमने सेंटेंस बोला, और सेंटेंस से अगली इकाई का विकास किया गया पैराग्राफ, और पैराग्राफ से आगे की इकाई, और फिर आगे की इकाई का विकास किया गया। तो जब आप 26 सिंबल से इन इकाई का विकास कर रहे थे, अल्टीमेटली पूरी भाषा का विकास कर रहे थे, पूरी लैंग्वेज का विकास कर रहे थे, तो एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी ना कि कुछ सेटअप रूल तो बनाने होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अपने आप बन जाएगा, कुछ सेटअप रूल्स बनाए गए होंगे और उस सेटअप रूल्स को फॉलो कराया गया होगा, और वही सेटअप रूल्स इंग्लिश ग्रामर बोला जाता है कि इन यहां से लेके यहां तक का जो विकास हुआ है वो जिस सेटअप रूल के माध्यम से विकास हुआ है उन्हीं को बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। अब देखो एक बात को अंडरस्टैंड करो, उन सेटअप रूल्स को डिस्टॉर्ट करके, उसको खराब करके आपके एग्जामिनेशन में रखा जाता है और आपसे पूछा जाता है क्या आपको पता है, अगर आप यहां से यहां तक का विकास अंडरस्टैंड कर लो सही से, हर वो छोटे छोटे एलिमेंट सीख लो, आपको आसानी से भाषा समझ में आ जाएगी। और ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह चलता है, और लोग बोलते हैं भैया ये भाषा ये समझ में नहीं आती, समझ में आती लोग सही से सिखाते नहीं है, ये पूरा फॉर्मुलेट हुआ है,
यहां से लेके यहां तक पूरे फॉर्मूले के हिसाब से चलता है। और मैं इसी फॉर्मूले को इंग्लिश ग्रामर का नाम दूंगा और इसी फॉर्मूले को मैं अब आपको सिखाना स्टार्ट करूंगा। अब एक बात ऐसे समझिए, मान लो हमने सिंबल्स बना लिया, सिंबल से भाषा का विकास करना है, तो सिंबल से जब आप भाषा की तरफ चलोगे तो आपको आदान प्रदान करना है, तो हर चीज की मीनिंग निकलनी चाहिए, तभी तो आदान प्रदान हो पाएगा। अगर मीनिंग ही नहीं निकलेगी तो कोई मतलब ही नहीं होता है किसी का विकास करने का। तो किया क्या गया, इन सिंबल्स को कंबाइन किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा, इन सिंबल्स को कंबाइन किया जाने लगा। और कंबाइन करते वक्त ये देखा गया कि जिन सिंबल को कंबाइन करके हम उसकी एक मीनिंग किसी को दे सकते हैं, उससे हम अगली इकाई बनाएंगे। तो इससे अगली इकाई जो बनाई गई वो वर्ड्स बनाई गई। अब एक बात ऐसे समझिए, वर्ड की डेफिनेशन समझिए और मैं सिंबल्स को कंबाइन करके आपको आपके सामने रखता हूं और देखिए आपको कितना मजा आएगा। आप कहोगे सर ये इंग्लिश इस तरीके से पहली बार अपन लोग सीख रहे हैं, और मजा भी आ रहा है क्योंकि हर चीज समझ में आएगा। देखिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसमें मजा लोगे तो अगले चैप्टर में मजा लोगे, उसके अगले चैप्टर में मजा लोगे, और उसके बाद ना इतना एंजॉय करने लगोगे कि पूरी इंग्लिश ग्रामर आप मजाक में सीख जाओगे। सब देखो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं यहां पे अगर इसको लू, मान लो ये पूरे सिंबल आपके 26 सिंबल ए से लेके जेड तक 26 सिंबल्स है। अब मैं ये बोलता हूं इन सिंबल्स को कंबाइन करो, जैसे ही आप इन सिंबल्स को कंबाइन करोगे तो दो बातें आएगी। एक बात ये आएगी, जैसे आपने बोला राम, तीन सिंबल्स लिया, आर सिंबल लिया, ए सिंबल लिया, एम सिंबल लिया, या आर लेटर लिया, ए लेटर लिया, एम लेटर लिया, और आपने इसको कंबाइन किया। जैसे ही आपने इसको कंबाइन किया आपको तुरंत याद आया सर इसको तो राम बोलते हैं, ये हमारे भगवान राम है, मतलब इसकी मीनिंग निकल गई। अब मैं इसको थोड़ा उल्टे से लिख देता हूं, अब आप बोलोगे एम ए आर इस तरीके की कोई चीज नहीं है, इसे तो हम जानते ही नहीं है। जब हम इसे जानते नहीं तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकली, तो जिसकी कोई मीनिंग नहीं निकली उसको क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि हमें सिर्फ वही चीज रखनी है जिसकी मीनिंग निकलेगी। अब मैं मान लो आपके सामने एक और सिंबल लिख देता हूं, एक और सिंबल लिखता हूं, ए लिया, एन लिया और डी लिया। आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है और, अंग्रेजी में इसको एंड बोलते हैं, इसकी भी मीनिंग निकल रही थी। इसी तरीके से मैंने क्या काम किया, हमने एक और ले लिया, आपने बोला सर मीनिंग निकाल दी, मैंने एक और लिया, आपने बोला इसको जनसंख्या बोलते हैं, यह भी सही है। इसके बाद हमने एक और लिया, आपने बोलो इसको बोलते हैं पक्षी, मैंने एक और लिया, आपने बोले इसको उड़ना बोलते हैं, मैंने एक और शब्द लिया, आपने बोलो इसको जाना बोलते हैं, मैंने एक और लिया। इसमें कई सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होगा, इसका मतलब होता है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोड करना, बढ़ना, वृद्धि करना, इसका भी मतलब होता है। तो ऐसे वो सभी सिंबल्स के कॉम्बिनेशन जिसके मतलब निकल पा रहे थे, ऐसे सभी लेटर के कॉम्बिनेशन जिनके मतलब निकल पा रहे थे उनको हमने वर्ड्स बोला, और जिनके मतलब नहीं निकल पा रहे थे उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया। जिनका मतलब ही नहीं निकल रहा है उससे हमारा कोई लेना देने नहीं, सिर्फ हमको सिर्फ उन्हीं चीजों से मतलब है जब सिंबल कंबाइन करने से हम उसका कोई मीनिंग निकाल सकते थे और किसी को आदान प्रदान में यूज कर सकते थे। तो यहां से अगली इकाई का विकास हुआ जिसको बोलते हैं वर्ड्स। और अगर वर्ड्स की डेफिनेशन में यहां से निकालूं तो सिर्फ दो बातें आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या है, ये है ग्रुप, किसके हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर यूं कह दो सिंबल्स, लेकिन सिंबल्स किसके होने चाहिए, इंग्लिश भाषा के सिंबल्स होने चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर सिंबल्स। दूसरी बात इसके अंदर क्या होनी चाहिए, दूसरी बात होनी चाहिए जिनकी प्रॉपर मीनिंग हो, जिनकी मीनिंग नहीं हो उनका कोई मतलब नहीं है। तो देख रहे हैं कितना आसान है, सिंबल्स को कंबाइन किया, जिनका मतलब निकला उनको हमने क्या बोल दिया, वर्ड्स। एक डेफिनेशन देखो मक्खन की तरह आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक मन के अंदर क्यूरियोसिटी जागी होगी, सर अच्छा एक बात बताओ आप अगर वर्ड्स को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो आप लर्न करना सीख गए ना, अब सिखाना नहीं पड़ रहा है, आप सीख रहे हो, तो चलो हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं। जब हम वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो देखो दो बातें निकलेंगी इसी में, दो बातें जब निकलेंगी तो आपके दिमाग में देखो दोनों बातें अलग तरीके से चल रही होगी और मेरे दिमाग में दोनों बातें अलग से चलती, क्योंकि हम ठहरे टीचर, क्योंकि हमारे पास नॉलेज हो गया और आपके पास नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा तो डिफरेंस होगा। अब चलो हम एक काम करते हैं, कंबाइन करते हैं। हमने क्या किया, हमने राम लिया, हमने एंड जोड़ा, हमने श्याम जोड़ा, हमने क्या किया तीन वर्ड्स को लिया, ठीक है, और तीनों वर्ड को जोड़ के एक साथ रख दिया। मैंने उसके बाद एक और चीज लिया इसी में, हमने लिया बर्ड्स और हमने ली फ्लाई, हमने इसी में एक चीज लिया देयर और हमने लिया गो, ठीक है।
इसी में हमने काम लिया जो ऊपर वर्ड है उन्हीं के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब देख रहे हो ऊपर हमने लिया एक कंबाइन लिया, ये भी कंबाइन किया, ये भी वर्ड्स को हमने कंबाइन किया, नीचे भी हमने कंबाइन किया। हमने ऊपर भी कंबाइन किया, नीचे भी कंबाइन किया, दो तरीके का ग्रुप बनाया। अब इन दोनों ग्रुप की खास बात क्या है जरा आप समझो। जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम, तो आप बोलोगे राम और श्याम, तो आप एक बात ये देख रहे हो इसकी मीनिंग तो निकल पा रही। इसकी मीनिंग पता क्यों निकल रही? इसकी मीनिंग इस वजह से निकल रही है क्योंकि हमने शब्द वही लिया जिसकी अपनी खुद की मीनिंग थी। तो जब आप अगली इकाई का विकास कर रहे होते हो तो दो बातें आती है, मीनिंग तो निकलती क्योंकि इनकी मीनिंग है, तो आगे जब आप कंबाइन करोगे तो मीनिंग तो निकलेगी, कैसी भी मीनिंग निकले मीनिंग निकलेगी क्योंकि हर शब्द का अपना मीनिंग है। तो जब इनकी मीनिंग निकली तो दो तरीके की मीनिंग निकली, एक की मीनिंग निकली पर ये मीनिंग कैसी रही? इनकम्प्लीट। अब मैं आपको समझाता हूं इनकम्प्लीट मीनिंग से मेरा तात्पर्य क्या है। जैसे बोलता हूं मैं राम और श्याम, तो आप बोलते हो राम और श्याम, सर आगे तो बताओ कहना क्या चाहते हो। लेकिन दूसरी जरा सा मीनिंग देखिए, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ता है तो उड़ता है, बात अपने आप में पूरी कंप्लीट हो गई। तो एक तो ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसमें मीनिंग निकली लेकिन वो कैसी रही? वो इनकम्प्लीट रही। दूसरा ग्रुप ऐसा निकला जिसमें मीनिंग निकली पर ये कैसी रही? कंप्लीट मीनिंग रही, ये कंप्लीट रही। मीनिंग निकली कंप्लीट रही, मीनिंग निकली कंप्लीट नहीं रही। तो जिस ग्रुप की मीनिंग निकली और इनकम्प्लीट रही उसको बोला गया फ्रेज। इस चीज को उठा के फेंका नहीं गया, आप बात को समझिएगा, इस चीज को उठा के फेंका नहीं गया क्योंकि इनका भाषा के विकास में बीच बीच में बड़ा अच्छा इस्तेमाल होना था, तो इस चीज को पूरा रखा गया फ्रेज को। और इसके विषय में फ्रेज का डिटेल एक अलग से मैं चैप्टर बनाने वाला हूं जिसमें फ्रेज के विषय में बहुत डेप्थ बहुत डिटेल में चलेंगे। लेकिन फ्रेज की डेफिनेशन निकल के आई, दो पॉइंटर्स में इसको याद रख सकते हो, पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू। ग्रुप ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया विथ इनकम्प्लीट मीनिंग, इनकम्प्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड विथ इनकम्प्लीट मीनिंग। तब कहोगे सर समझ में तो आ गया, सर फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी इनकम्प्लीट मीनिंग होती है। सर आगे की चर्चा करो कि अच्छा अब मन के अंदर आ रहा है सर जिसकी कंप्लीट मीनिंग निकली उसका क्या? देखो उसका यार बड़ा अच्छा बात था, उसका अच्छा बात यह था कि ये जो जिसकी कंप्लीट मीनिंग निकलना स्टार्ट हुई उसमें यह देखा गया कि ये जो शब्दों के समूह थे इनका एक ऐसा अरेंजमेंट था जिसमें एक खास बात थी, एक यूनिकनेस थी, इनको प्रॉपर सीक्वेंस में रखा गया, मतलब इनका सीक्वेंस कुछ यूनिक था। और वो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से देखा गया, कि इसके अंदर आपका एक डूअर मिला, मतलब एक करने वाला मिला। अगर हम सब्जेक्ट या फिर डूअर मतलब करने वाला, एक ऐसा सीक्वेंस मिला कि उसमें हमने देखा कि जो एक वर्ड था वो वर्ड ऐसा था जिसको हम सब्जेक्ट या डूअर का नाम दे सकते हैं, उसके साथ जो बाकी के जो शब्द थे, मान लो एक वर्ड हो गया, एक और वर्ड ले लूं, या इससे कहीं ज्यादा वर्ड्स हो सकता है, कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, वर्ड प्लस वर्ड्स कई सारे आप इसके अंदर जोड़ लो। तो इस सीक्वेंस में खास बात क्या मिली कि एक पहला शब्द ऐसा देखा गया, एक शब्द ऐसा देखा गया कि जो मेन शब्द था, ये मेन वर्ड मान लो इसको, ये मेन शब्द था, आगे की जो इंफॉर्मेशन थी ना वो इसी मेन शब्द के विषय में थी, आगे की सारे की इंफॉर्मेशन जो शब्दों का कलेक्शन था वो इसी शब्द के विषय में थी। तो इस मेन शब्द को, इस मेन वर्ड को सब्जेक्ट या डूअर कहा गया। ये क्या काम कर रहा था? ये एक्शन परफॉर्म कर रहा था और आगे की चर्चा इसी के विषय में थी, तो इसको सब्जेक्ट या डूअर कहा गया। और इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया प्रेडिकेट, इसको एक अलग से नाम दिया गया जिसको बोला गया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या हुआ? प्रेडिकेट था कि अगर मेन वर्ड के विषय में इंफॉर्मेशन, बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई हो तो पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन को हम प्रेडिकेट बोलेंगे, और एक मेन वर्ड होगा जिसको हम सब्जेक्ट या डूअर बोलेंगे। और इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? इस कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोलेंगे। ये अगली इकाई का विकास हुआ कि अगर इस तरीके से एक सीक्वेंस मिलता है जिस सीक्वेंस के अंदर हमको मेन वर्ड मिलता है, मेन वर्ड के विषय में ही पूरी इंफॉर्मेशन अगर लगा के रखी जाए तो यार उसकी एक मीनिंग निकल रही थी, एक ये सीक्वेंस निकल रहा था, इसी को क्लॉज बोला गया।
और ग्रामर में जो पहला सीक्वेंस मिला वो यही पहला सीक्वेंस मिला जिसको क्लॉज बोला गया। तो बेसिकली ये ग्रामर की जो फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर सीक्वेंस होता है यहां से। तो क्लॉज की डेफिनेशन यहां से बनाई गई और क्लॉज की डेफिनेशन यहां से कुछ इस तरीके से बनाई गई कि इसके अंदर एक डूअर होगा या जिसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे और उसी के विषय में इंफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? उसी के विषय में इंफॉर्मेशन होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम क्लॉज बोलेंगे। जैसे पिछला एग्जाम्पल आपने देखा था बर्ड्स फ्लाई, यहां पे बर्ड्स ये आपका मेन वर्ड है, ठीक है, और फ्लाई जो है ये यहां पे इसका एक्शन है। ये क्या है? यहां पे ये इसका एक्शन है और इसको, क्योंकि जो फ्लाई है इसी के विषय इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन इसी तरीके से रखा गया कि सीक्वेंस मिल पा रहा था। जैसे मैं बोलूं राम लिखा हुआ था लास्ट में और एंड लिखा हुआ था और लिखा हुआ था श्याम, तो जो आगे की इंफॉर्मेशन थी वो देखो राम के विषय में नहीं है, श्याम अलग पर्सन है, राम अलग पर्सन है, तो ये इंफॉर्मेशन अगर राम के विषय में रखी जाती तो प्रॉपर मीनिंग निकल पाती, प्रॉपर सीक्वेंस बन पाता। तो ऐसे सीक्वेंस जो मेन वर्ड और आगे का इंफॉर्मेशन उसी के विषय में मिला उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया जो है क्लॉज। अगली यूनिट, जैसे यहां पे देखिए राम लिखा है, राम इज फ्लाइंग द काइट, राम है और यहां पे ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो इसी के विषय में है, राम राम क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो आगे की इंफॉर्मेशन इसके विषय में है, इसके एक्शन और एक्शन से रिलेटेड चीजों के विषय में है। तो जो राम हुआ इसको हमने मेन वर्ड बोला या इसी को आपने क्या बोला? सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट बोला, और बाकी की जो इंफॉर्मेशन थी वो पूरा का पूरा क्या बोला गया? वो बोला गया प्रेडिकेट। तो क्लॉज आपका होता क्या है? क्लॉज होता आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन। प्रेडिकेट के अंदर देखो बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, तो प्रेडिकेट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट के अंदर क्या हो सकता है? जो ये प्रॉपर सीक्वेंस मिला, एक तो मेन वर्ड था, अब उसके बाद मैं बाकी वर्ड्स की चर्चा करता हूं कि बाकी वर्ड्स क्या मिले। अब मान लो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका डूअर है या मेन वर्ड है या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये जब जब ये मेन वर्ड होगा जिसको हमने डूअर और सब्जेक्ट बोला, तो बेसिकली ये एक्शन परफॉर्म करता है। तो प्रेडिकेट के अंदर क्या हो सकता है? प्रेडिकेट के अंदर एक्चुअली इसका एक्शन हो सकता है। जैसे इसमें मिला आपको बर्ड्स फ्लाई, ये इसका एक्शन है। इस एक्शन को वर्ब का नाम दिया गया, एक नाम दिया गया जिसको वर्ब बोला गया, और इस एक्शन का इंपैक्ट पड़ा, और इस एक्शन का इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है उसको हमने नाम दिया जिसको बोला ऑब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट जो होगा, प्रेडिकेट आपका वर्ब हो सकता है, सिर्फ इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट के एक्शन की चर्चा हो, या फिर यह हो सकता है कि सब्जेक्ट के एक्शन की चर्चा हो साथ में सब्जेक्ट के एक्शन का इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है उसकी भी चर्चा हो, जिसको हमने ऑब्जेक्ट बोला। तो अगर मैं बात करूं प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट सिंपली वर्ब हो सकता है, या प्रेडिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर अगर जरूरत पड़ी इंफॉर्मेशन देने की तो कुछ अदर वर्ड्स हो सकता है। अब प्रेडिकेट के अंदर खास बात क्या होती है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, मान लो सब्जेक्ट ने एक्शन किया, सब्जेक्ट ने एक्शन किया, एक्शन का इंपैक्ट पड़ा, एक्शन का इंपैक्ट डायरेक्ट किसी के ऊपर पड़ सकता है, इनडायरेक्ट किसी के ऊपर पड़ सकता है, या उससे किसी और तरीके से कोई इंपैक्टेड हो सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट भी पाया गया, ये ऑब्जेक्ट आपका तीन तरीके का ऑब्जेक्ट पाया गया। किस तरीके का ऑब्जेक्ट पाया गया? तीन तरीके का ऑब्जेक्ट पाया गया। ये पाया गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट इंपैक्टेड हो रहा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाया गया, और कुछ और जो किसी भी तरीके से इंपैक्ट हो सकते थे या आ सकते थे, वो प्रीपोजिशन लगा के उनको जोड़ा गया जिसको हमने बोला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो जो आपका प्रेडिकेट होता है ना, उसके अंदर एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड हो सकता है, और ऑब्जेक्ट तीन तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्लॉज होता है। अच्छा, अगर मैं वापस अपनी पुरानी बात पे आऊं जहां पे हमने ये बात बोला कि वर्ड्स का ऐसा प्रॉपर सीक्वेंस मिला जिसकी मीनिंग निकल पा रही थी, तो हम इस चर्चा पे चलेंगे अभी क्लॉज पे, लेकिन पहले हम इसके डेप्थ और इसकी गहराई में थोड़ा सा निकलते हैं, समझते हैं हम चीजों को। हम जैसे चर्चा कर रहे थे प्रेडिकेट की, पहले प्रेडिकेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि कई बार क्या होता है प्रेडिकेट लोगों को समझ में नहीं आता। तो प्रेडिकेट जो आपका है वो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के विषय में जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपका प्रेडिकेट होता है। ये पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन होता है उस पूरे इंफॉर्मेशन को हम प्रेडिकेट कहते हैं। इस इंफॉर्मेशन के अंदर देखो हो क्या सकता है, अगर सीक्वेंस से समझोगे तो बहुत मस्ती से समझ में आएगा।
मान लो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम क्या है, एक्शन परफॉर्म करना, और एक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ब से, एक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वर्ब से, ऐसे सीक्वेंस है। अब मान लो ये जो वर्ब है होगा क्या, मान लो ये एक्शन हुआ तो एक्शन का होगा इंपैक्ट, एक्शन का क्या होगा, एक्शन का पड़ेगा इंपैक्ट। और एक्शन का इंपैक्ट देखो तीन तरीके से पड़ता है, एक पड़ता है डायरेक्ट, एक पड़ता है इनडायरेक्ट, और एक पड़ता है जिसको प्रीपोजिशन लगा के हम लिखते हैं। तो अगर डायरेक्ट पड़ेगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इनडायरेक्ट पड़ेगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और अगर प्रीपोजिशन लगा के पड़ेगा तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कोई और इंफॉर्मेशन ऐड करना हो तो हम अदर इंफॉर्मेशन अलग कुछ वर्ड से लगा के ऐड करते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन भी इस चीज के विषय में देना हो तो ये हम ऐड करते हैं। तो जो आपका प्रेडिकेट होता है वो वर्ब का, ऑब्जेक्ट का और अदर वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं अगर इसको फॉर्मुलेट करूं यहां पे तो ये वर्ब का या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, जब मैं ऑब्जेक्ट बात करूं तो तीनों में से ये किसी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ये होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो प्रेडिकेट के फॉर्मूले में तीन चीजें आती है, एक तो वर्ब आता है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हो सकता है। तो इसमें सिर्फ वर्ब आ सकता है, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आ सकता है, इसमें जरूरत पड़ी तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आ सकता है। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब एक बात ऐसे समझो कि कई बार सेंटेंस के अंदर आपको पहचानना होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए व्हाट या फिर क्या क्या जवाब ढूंढना पड़ता है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप हुम से ढूंढ सकते हो या फिर किसको से क्वेश्चन करके, अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ढूंढने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, कहीं पे भी प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी आता है वो हमेशा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको क्या करना होता है, सेंटेंस के अंदर क्लॉज के अंदर सिर्फ आपको प्रीपोजिशन ढूंढना होता है। ये तो रहा प्रेडिकेट, इस वाले पेज में पूरा का पूरा रहा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में अगर आप सब्जेक्ट को जोड़ देते हो, प्रेडिकेट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन प्लस इसके साथ अगर आप सब्जेक्ट जोड़ देते हो, जैसे ही सब्जेक्ट जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाता है क्लॉज। अब क्लॉज की देखो मीनिंग तो होगी क्योंकि हम पीछे से पढ़ के आ रहे भैया, इसकी मीनिंग तो होगी, और इसकी जो मीनिंग होगी वो डिपेंडेंट हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है, उसी बेस पे क्लॉज को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। लेकिन क्लॉज पे और क्लॉज के टाइप पे बढ़ने से पहले हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन बातों को समझेंगे। अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, ही रीड्स ए बुक। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप सीधे सीधे देखो, जो पहला वर्ड है मैंने बोला ये मेन वर्ड है, और अगर ये मेन वर्ड है तो ये किसका काम करेगा, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट का काम करने के बाद जो बाकी की इंफॉर्मेशन होगी वो पूरा का पूरा क्या होगा, वो होगा प्रेडिकेट। और जैसे ही मैं बात करता हूं प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में क्या हो सकता है ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है। प्रेडिकेट में आपने बोला सब्जेक्ट के विषय में एक इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम वर्ब बोल सकते हैं। वर्ब के बाद क्या होगा, वर्ब का इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे ही वर्ब के इंपैक्ट की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। यहां पे प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होने का सवाल नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सिर्फ प्रीपोजिशन देखना पड़ता है। अब अगर मैं पूछूं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बोला क्या का जवाब निकालो, आप क्या का जवाब निकालो या किसको का जवाब निकालो। हिंदी भाषी वाले बच्चे सबसे आसान यही है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे व्हाट का या फिर होम का जवाब निकालो। अगर मैं व्हाट के जवाब की बात करूं, ही रीड्स, व्हाट ही रीड्स, तो पता चल रहा है कि वो किताब पढ़ता है, उसका एक्शन क्या है, पढ़ना, और क्या पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है। तो क्या का जवाब मिल रहा है, तो ये किस तरीके का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरे में आओ, ही गेव हिम सम बुक्स, ही गेव हिम सम बुक्स।
तो पहला वर्ड आपका मेन वर्ड और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। जैसे हम बात करते हैं सब्जेक्ट, और अगर मैं पूरे इंफॉर्मेशन की बात करूं तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो होगा वो पूरा का पूरा क्या कहा जाएगा, प्रेडिकेट। जैसे ही आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लो, सब्जेक्ट के बाद बची हुई पूरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो होती है आपकी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में जैसे ही आओगे पहला वर्ड मिलेगा, पहला वर्ड वो जो एक्शन होगा, ही गेव, उसने दिया, उसने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया, देने का एक्शन परफॉर्म किया, वो होगा आपका वर्ब। अब आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, अब प्रेडिकेट के अंदर बाकी सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है कि भाई एक्शन परफॉर्म किया तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब क्वेश्चन करो, ही गेव, उसने क्या दिया, क्या दिया, हिम को तो देगा नहीं, किताब देगा। जैसे बात आता है क्या दिया, किताब दिया, तो ये किस तरीके का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या का जवाब दे रहा है या व्हाट का जवाब दे रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बोलूं उसने किसको दिया, उसने किसको दिया, उसने हिम को दिया, तो हिम क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं नीचे आऊं इसमें तीसरे में, तो जैसे आपने ही देखा, ही क्या हो जाएगा, ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, पहला वर्ड मेन वर्ड ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर मैं इसके बाद बात करूं कि ये सिट्स आपका क्या हो जाएगा, वर्ब एक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद देखो बिसाइड क्या होता है, प्रीपोजिशन, जिनको नहीं पता वो जान ले, इन क्या है आपका प्रीपोजिशन। तो इसके बाद बिसाइड के बाद मी लगा है, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और द क्लास लगा हुआ है तो ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। जैसे ही प्रीपोजिशन देखो, प्रीपोजिशन के बाद जो भी मिले उसे आपको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है, इसको रट लो। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको रट लेने से डायरेक्टली काम बन जाता है, इसको रट लेने से। जब भी प्रीपोजिशन देखो, प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी मिले उसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, कोई इफ एंड बट इसमें है ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं आएगा, कोई इसमें एक्सेप्शन होता ही नहीं है। जैसे यहां देखो, आई वेंट टू कॉलेज, अब यहां पे आई क्या है, पहला वर्ड है, यह हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर मैं रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन की बात करूं, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। वेंट क्या है यहां पे, वेंट है आपका एक्शन, और यहां पे आपको प्रीपोजिशन मिला तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे ही प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द मिले उसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आपको समझना है, वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये होता है क्लॉज। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्लॉज है। अब आप में से कोई बच्चा जो समझदार है, जिसने पढ़ लिया है बहुत सही से ग्रेजुएशन में, तो ये मत बोलिए सर ये सेंटेंस है, अभी सेंटेंस की चर्चा हम आगे चल के करेंगे, सेंटेंस में नहीं है अभी, हम क्लॉज में है। तो ये क्या है, ये क्लॉज है, ही गेव हिम सम बुक्स, ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्लॉज है, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है, ये भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी क्या है, क्लॉज है, और ये भी क्या है, क्लॉज है। तो क्लॉज अगर मैं समराइज करूं यहां पे, तो आपका जो क्लॉज होता है वो होता क्या है यार, क्लॉज तो यही होता है ना, क्लॉज का डेफिनेशन यही हुआ कि शब्दों का समूह जिसकी प्रॉपर सिक्वेंसिंग हो, और वो सिक्वेंस किस तरीके से हो, सब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन हो तो आप उसको क्लॉज बोलोगे। ये जो प्रेडिकेट होगा इसका अगर और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो सब्जेक्ट होगा और ये वर्ब हो सकता है। देखो क्लॉज का डेफिनेशन और फॉर्मूला याद रखो, ये ऐसा भी हो सकता है, मैं थोड़े कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको चीजें याद रहे, भली बात याद रहे। ये अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड होगा क्लॉज, मान लो अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया, ज्यादा शब्द इसमें आ गए, तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके अंदर जो है ये आपका सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, अदर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये फॉर्मूला पूरा ओपन करने पे है, ये फॉर्मूला क्लोज करने पे, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, अगर आप छोटा सा फॉर्मूला लिखना चाहो, बड़ा करना चाहो, तो इस तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो क्लॉज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी हम क्लॉज की बात करेंगे, आपके दिमाग में हमेशा एक प्रॉपर सीक्वेंस आना चाहिए, जिसमें आपके अंदर ये आना चाहिए, एक मेन वर्ड होगा, आगे की इंफॉर्मेशन उसके विषय में होगी, मेन वर्ड को हम सब्जेक्ट या डूअर बोलेंगे, और अदर इंफॉर्मेशन को हम प्रेडिकेट बोलेंगे। प्रेडिकेट के अंदर जो होगा वो हमारा वर्ब होगा, एक्शन होगा, एक्शन का इंपैक्ट जिसके ऊपर पड़ेगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा, आपको तुरंत समझना है कि ऑब्जेक्ट तीन तरीके के हो सकते हैं, इंपैक्ट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशन लगा के हो सकता है, और उसके आगे कुछ और इंफॉर्मेशन देनी होगी तो अदर वर्ड से देते हैं, तो प्रेडिकेट का पूरा फॉर्मूला ओपन हो जाता है। तो अगर ये चीज आप अच्छे से भली भांति क्लॉज को, अगर यहां पे इसके सीक्वेंस को समझ पाए हैं, तो आप ऐसे समझिए, ये जो आपका सीक्वेंस है, ये जो आपका सीक्वेंस बन रहा है,
देखो मीनिंग तो इसकी निकलेगी, मीनिंग तो इसकी निकलेगी, मीनिंग जब इसकी निकलती है तो इसकी मीनिंग, ये अपनी मीनिंग के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है, ये अपनी मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से जो क्लॉज होता है आपका दो तरीके का होता है। अगर मीनिंग में इंडिपेंडेंट है ये, अगर मीनिंग में इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, मीनिंग में अगर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि वो अपनी मीनिंग में डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट कर रहा है। अब बोलोगे कि सर एग्जाम्पल लिख दो, मैं नया एग्जाम्पल लिखूं, इससे बेहतर है कि मैं पुराने एग्जाम्पल के साथ इसको डिकोड कराने की कोशिश करूं। लेकिन एक बार फॉर्मूला दोबारा याद करा सकता हूं कि अगर आप प्रेडिकेट को एक्सपेंड करोगे तो ये सिंपल वर्ब हो सकता है, या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट की बात बोलूं, तीन तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड प्रीपोजिशनल। तो ये बातें तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बात ये होती है ना कि इंडिपेंडेंट और डिपेंड देखने अपने को। देखो अब इसमें आप सोच के बताओ, सारे हैं तो क्लॉज, ये जितने भी आपके सामने रखे गए सारे तो हैं क्लॉज। अभी तो हमने डिस्कस किया भाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है, ही रीड्स ए बुक, वो किताब पढ़ता है, ये अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट है। क्या किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या कुछ और चीज इसमें जोड़ने की जरूरत है जिससे पता चले कि ये भाई मीनिंग में जो है कंप्लीट नहीं है, मीनिंग में है तो कंप्लीट ना। तो किस तरीके का क्लॉज हुआ, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ही गेव हिम सम बुक्स, तो ये किस तरीके का क्लॉज हुआ, ये भी अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट है। नीचे देखिए, ही सिट्स बिसाइड मी इन दिस क्लास, ये भी पूरी मीनिंग में कंप्लीट है। आई वेंट टू कॉलेज, ये भी अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो ये क्या है, ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक और नाम दिया जाता है, मेन क्लॉज। क्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, मेन क्लॉज। तो अगर कोई आपको सामने कुछ वर्ड्स का कलेक्शन लिखा जाता है जिसमें सब्जेक्ट मिले आपको, मेन वर्ड मिले, और उसी के विषय में इंफॉर्मेशन मिले, इस सीक्वेंस मिले कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन हो, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो, और वो अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज। क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। जैसे मैं आपको डिपेंडेंट क्लॉज की बात आए तो डिपेंडेंट क्लॉज का एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने बोला दो ही इज रिच, दो ही इज रिच, ये आप इस बात को समझिए, यहां मैंने लिखा दो ही इज रिच। अब इसमें ये देखो ही क्या है, ही आपका, पहले आपको समझना ये क्लॉज है कि नहीं है। ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है, डूअर है। इज रिच वो रिच है, ये इसके विषय में इंफॉर्मेशन है, और ये है आपका प्रेडिकेट। ये क्या है, ये प्रेडिकेट है भाई, ये वर्ब है। तो ही इज रिच ये आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है, ये है क्या, ये है आपका क्लॉज। लेकिन अगर इस चीज को पूरी तरीके से देखो, यद्यपि वह अमीर है, तो आपके मन में आएगा तो सर आगे बात बताओ, यद्यपि वह अमीर है तो आगे क्या। तो पता चला कि ये एक जो शब्द हमने जोड़ा है इसके आगे दो, हमने क्या किया है, ये हमने एक आगे जो ये शब्द जोड़ा है ये इसकी मीनिंग को, ही इज रिच अगर मैं लिखूं तो ये मीनिंग में कंप्लीट है, लेकिन जैसे मैंने एक शब्द जोड़ा दो ही इज रिच, दो ही इज रिच, तो आपको समझ में आया सर ये अब मीनिंग में इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि ये जो दो है ना इसकी वजह से लग रहा है कि अब अधूरा अधूरा सा है, यद्यपि वह अमीर है। तो कई बार क्या होता है, आप आगे जैसे जैसे पढ़ोगे इस तरीके के शब्द लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, किसी सेंटेंस के अंदर, तो वो इस पर्टिकुलर चीज को मीनिंग में अधूरा बना लेते हैं। ये अधूरा इस तरीके से हो जाता है कि अब इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको आगे कुछ लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आगे कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्लॉज तो होता है क्योंकि फॉर्मूला तो बना रहा है, लेकिन मीनिंग में अब डिपेंडेंट हो गया, तो इस तरीके के क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अब एक बात मैं यहां से और समझाना चाहता हूं आगे की इकाई पे जाने से पहले। जैसे आगे की इकाई हमारी जो होने वाली है वो क्लॉज से हम सेंटेंस बनाएंगे, तो क्लॉज से ही हमको सेंटेंस बनाना है। तो आइडियली क्लॉज से हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं,
हम क्लॉज से सेंटेंस बनाते हैं इस तरीके से कि अब हम क्लॉजेस को कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये देखा गया कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज था इसको अगर अलग से लिख दिया जाए, जैसे हमने लिखा बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई ये क्या है, या दूसरा एग्जांपल मैं लिखूं योगेश टीचेस फिजिक्स, ये दोनों चीज देखिए, ये क्या है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है, ये क्या है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन तो है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये क्लॉज तो है लेकिन ये अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो ये डिसाइड हुआ कि अगर इनको अलग से लिखा जाए, अगर इनको अलग से लिखा जाए, मेन क्लॉज स्टैंड एलोन, स्टैंड एलोन का मतलब अगर अलग से लिखा गया हो, तो इसी को हम सेंटेंस मान लेते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होते हैं, पूरा का पूरा मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। तो इसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज को, मेन क्लॉज को अगर हम अकेला रख दें तो ये पूरा का पूरा मैसेज, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं। तो इसी को सेंटेंस की सबसे बेसिक इकाई ले ली गई, क्या की गई, इसी को सेंटेंस की सबसे बेसिक इकाई ले ली गई। तो सर अगर इसी को सेंटेंस की सबसे बेसिक इकाई ले ली गई तो सर हमको इसकी क्या जरूरत है, हम यहीं से इसको इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज कहना छोड़ दें, हम सीधे सीधे सेंटेंस कहना स्टार्ट कर दें, भाई इसको डिफाइन ही ना करें, सिर्फ इसी को डिफाइन करें, इसको डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी, नहीं इसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ी क्योंकि जब आप सेंटेंस के आगे की इकाई विकास कर रहे थे तो ये दोनों चीजों की अलग अलग से जरूरत पड़ी। तो सेंटेंस को यहां से इसको अकेला रख के हमने क्या काम किया, सिंपल सेंटेंस निकाल लिया, एक सेंटेंस का बेसिक यूनिट निकाल लिया, लेकिन इसकी जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी जब आगे और बड़ी इकाइयों का विकास हुआ। तो हम ने ये देखा कि अगर सेंटेंस के अंदर ये इकाई मिलती है, सेंटेंस के अंदर ये इकाई मिलती है तो हम इसको क्लॉज बोलेंगे, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज बोलेंगे, और अगर इसको अकेला रखा जाएगा तो हम इसको क्लॉज नहीं बोलेंगे, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, सेंटेंस की बेसिक इकाई बोलेंगे। बात मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत गहरी बात है जो आगे बहुत दूर तक काम आने वाली है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज को अगर हम सेंटेंस के अंदर देखेंगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस के अंदर देखेंगे तो इसको हम क्लॉज बोलेंगे, लेकिन अगर इसको हम अलग रख देंगे तो इसको हम फिर सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। तो यहां से हमारी जो है बेसिक इकाई मिली, क्या मिली, बेसिक इकाई मिली। अच्छा एक बात मैं और बात बताऊं कि ये जो क्लॉज है ना, इस क्लॉज में क्योंकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में चल रहा है, तो मैं यहां पे जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। क्लॉज पे एक डिटेल से अलग से वीडियो, एक अलग से चैप्टर हम प्रिपेयर करने वाले हैं जिसमें इसकी डिटेल गहराई तक जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, लेकिन वो अभी नहीं, जब वन को आप पूरा ग्रामर पढ़ लोगे, क्योंकि इसके इन डेप्थ अगर मैं घुसना स्टार्ट करूंगा तो बहुत सारी चीजें आपको बाउंस होने लगेगी। अभी तक जितनी मैंने बात बताई वो आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, तो इसकी जो गहराई वाली बात है वो हम इसके एक इंडिपेंडेंट चैप्टर में चल के पढ़ेंगे, लेकिन ग्रामर कंप्लीट करने के बाद लास्ट में इसको पढ़ेंगे। यहां पे आपको बस इतना समझना है कि क्लॉज दो तरीके का हुआ, इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टैंड एलोन है तो इसी को हम क्या काम करते हैं, इसी को हम सेंटेंस की सबसे बेसिक इकाई बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो अगर मैं अब इसको फॉर्मुलेट करना चालू करूं, सिंपल सेंटेंस का अगर मैं फॉर्मूला बनाना चालू करूं, तो इसका फॉर्मूला तो आप लोग खुद ही बना लोगे, हमको कुछ फॉर्मूला बनाने की जरूरत पड़ी। सिंपल सेंटेंस क्या है, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टैंड एलोन, उसका फॉर्मूला आपको याद है, उसका फॉर्मूला याद है आपको, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यही तो फॉर्मूला था। या इसको दूसरी तरीके से लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या इसी को और थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करके मैं लिखना चाहूं, अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखना चाहे तो आप इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसी को थोड़ा सा और लिखना चाहूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। इस बात को ध्यान से देखिएगा,
अब इसमें एक बात समझिएगा कि जो आप पूरा ग्रामर पढ़ने वाले हो तो एक स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का जो ये फॉर्मूला है ना, ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है। ये सेंटेंस का जो फॉर्मूला है सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है, क्योंकि इसी को बेस मान के हम पूरा का पूरा ग्रामर आपको पढ़ाने वाले। तो ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि सेंटेंस का सबसे जो बेसिक इकाई होती है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां से आपको पता है ना कि हम सेंटेंस तक पहुंचे, लेकिन बिल्कुल शुरुआत से एक धागे में पिरो के फिर यहां तक आए हैं। अब बात आती है कि सर हम सेंटेंस में आ गए, अब एक तो हमने बिल्कुल बेसिक सेंटेंस की इकाई बना ली। अब आपके दिमाग में एक वही चीज आनी चाहिए कि सर अगर क्लॉज दो तरीके के हैं, एक एक क्लॉज को आपने अलग निकाल लिया, इसको आपने सेंटेंस की बेसिक इकाई या सिंपल सेंटेंस बोल दिया। अगर हम ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला दें, अगर इनका ग्रुप करने लगे, अभी पुराने समय से सबका ग्रुप ही तो कर रहे हो, अगर इनका ग्रुपिंग करने लगे तो क्या होगा? अगर आपका दिमाग इतना विकसित हो गया है इस लेक्चर को देखते देखते, मतलब आप ग्रामर बड़ा तगड़े से सीखने वाले हो। अब जब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं तो सेंटेंस के नए प्रारूप डेवलप होते हैं। तो जैसे हमने सेंटेंस है तो सेंटेंस के टाइप इसी से बनते हैं कि अब हम क्या काम करेंगे, अब हम क्लॉजेस को कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से टाइप आता है, लेकिन टाइप से पहले एक सेंटेंस के एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं वो देख लो। जैसे राज प्लीज, इसमें आप देखोगे क्या है, वर्ब का और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यही कॉम्बिनेशन है। अगर यूं मैं कहूं कि ये प्लस ये प्रेडिकेट है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, क्लॉज। इसको क्या बोल सकते हो, क्लॉज, या इसी को बोल सकते हो फ्रेज। लेकिन फ्रेज अपनी मीनिंग में कंप्लीट है, तो मैंने बोला था कि फ्रेज अपनी मीनिंग में कंप्लीट होगा तो हम उसको क्लॉज बोलेंगे, फ्रेज नहीं बोलेंगे। तो राज प्लेज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन क्लॉज है, ये अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट है, तो इसको क्या बोलोगे, मेन क्लॉज बोलोगे। और ये स्टैंड अलोन अकेला लिखा गया है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सिंपल सेंटेंस। क्या बोलोगे, इसको सिंपल सेंटेंस बोलोगे, सेंटेंस की सबसे बेसिक इकाई। अगर दूसरा देखिए, राज प्लेज, राज खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो अब यहां पे ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, और ध्यान से देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट भी आ गया। क्या आ गया, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो ये आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है, ये आपका मेन क्लॉज है, क्योंकि मीनिंग में राज क्रिकेट खेलता है, इसकी मीनिंग के लिए कुछ और चाहिए नहीं, ये मेन क्लॉज हो गया। मेन क्लॉज अकेला लिखा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हो। अब इसमें देखिए, राज प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अब यहां पे आपको पता है ये सब्जेक्ट, ये पूरा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के अंदर ये है आपका वर्ब, ये है आपका ऑब्जेक्ट, क्या खेलता है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन लगा के आगे का जो शब्द लिखा होता है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का, ये किस तरीके का क्लॉज हुआ, मेन क्लॉज हुआ। मेन क्लॉज अकेला लिखा हुआ है, तो जब ये अकेला लिखा हुआ होगा तो इसको क्या बोलोगे आप, सिंपल सेंटेंस बोलोगे। क्या बोलोगे आप, सिंपल सेंटेंस बोलोगे। जैसे मैंने आपको बोला कि जब फ्रेज अपनी मीनिंग में कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम क्लॉज बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल जाता है। उसी तरीके से अगर आपका जो क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, अगर वो अकेला लग दिया जाए तो फिर हम उसको मेन क्लॉज कहने के बजाय हम सिंपल सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस के आपके पास एग्जाम्पल है। अब हम लोग कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही आप क्लॉजेस को कंबाइन करते हो तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस की अगर बात किया जाए तो आपने मेन क्लॉज को एज ए स्टैंड अलोन ले लिया था। जैसे द टीचर लिसन टू द चिल्ड्रेन, द टीचर लिसन टू द चिल्ड्रेन, टीचर जो है बच्चों की बात सुनने की हो रही है यहां पे। तो द टीचर क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और बाकी का इंफॉर्मेशन आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और ये अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट है। द टीचर लिसन टू द चिल्ड्रेन, जो टीचर हैं वो बच्चों की बात सुनते हैं, ये अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट है। और इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मेन क्लॉज है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मेन क्लॉज है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो इसको आपने सिंपल सेंटेंस ले लिया। अब इसके बाद क्या किया गया कि मेन क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन किया गया। तो दो मेन क्लॉज को पहले कंबाइन किया गया, या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को पहले कंबाइन किया गया। कंबाइन करने के लिए आपको एक कनेक्टर की जरूरत पड़ी। इस कनेक्टर को आगे चल के पढ़ोगे, कनेक्टर को कंजंक्शन बोला जाता है, और जिस तरीके का कंजंक्शन यहां पे इस्तेमाल किया गया उसको बोला गया कोऑर्डिनेट। क्या बोला गया, आगे चल के पढ़ोगे इसके टाइप में, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोला गया। लेकिन
एट द कोर जो आपको यहां अंडरस्टैंड करना है जब आप बेसिक में इसे पढ़ रहे हो तो, कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हो, ये बोलते हो कंपाउंड सेंटेंस। अभी आपने देखा कि आपको एक स्ट्रक्चर मिला क्लॉज, क्लॉज से आपने सिंपल सेंटेंस लिया। अब अगर दो मेन क्लॉज को अगर आप कंबाइंड कर रहे हो तो कई सारे वर्ड्स का कलेक्शन हो गया। यहीं से देखो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हो। अब इसी तरीके से अगर आपने दो मेन क्लॉज को कंबाइन किया तो आगे मेन और इंडिपेंडेंट को भी तो कंबाइन कर सकते हो, और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को भी कंबाइन कर सकते हो। तो दो इंडिपेंडेंट को कंबाइन करके मीनिंग नहीं निकाली जा सकती थी, इस वजह से दो इंडिपेंडेंट को कंबाइन नहीं किया गया, क्योंकि पहला भी इंडिपेंडेंट था, दूसरा भी इंडिपेंडेंट था, दो इंडिपेंडेंट मिलके प्रॉपर मीनिंग नहीं निकाल पा रहे थे, इस वजह से दो इंडिपेंडेंट को कंबाइन नहीं किया गया। कंबाइन हमेशा एक मेन को एक मेन के साथ, एक मेन को एक इंडिपेंडेंट के साथ किया गया। तो सेंटेंस तभी बनता है जब आप मेन क्लॉज कम से कम एक जरूर लेते हो। अगर आपके पास एक मेन क्लॉज नहीं है तो आपका सेंटेंस बनेगा नहीं। सिर्फ एक मेन क्लॉज लोगे तो आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा, एक मेन प्लस एक मेन लोगे तो आपको जो मिलेगा वो कंपाउंड सेंटेंस मिलेगा। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब मिला जब आपने एक मेन क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ा। एक मेन क्लॉज को आपने क्या काम किया, एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ा, या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज को भी आप ले सकते हो। यहां पे जो कनेक्टर इस्तेमाल किया गया उस कनेक्टर को, वो कनेक्टर हमेशा कंजंक्शन ही होगा क्योंकि कंजंक्शन एक चैप्टर है जो हम पढ़ाएंगे आपको आगे चल के। यहां पे जो कंजंक्शन का टाइप लिया गया उसे लिया गया सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट होते क्या है, सहायक। सबऑर्डिनेट क्या होते, सहायक। इसका नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि ये डिपेंडेंट है, मतलब इसको सहायता की जरूरत है। तो जिस कनेक्टर को जोड़ेंगे उसको सहायक कनेक्टर के मदद से जोड़ेंगे। किस के मदद से जोड़ेंगे, सहायक कनेक्टर की मदद से जोड़ेंगे। तो इसको अंग्रेजी में सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट कनेक्टर्स बोल लो। इसी क्लॉज को यहां पे दूसरा नाम दिया गया क्योंकि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन था, तो इस क्लॉज को उसी हिसाब से नाम दे दिया गया। चलो इस क्लॉज को हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देंगे। इसी तरीके से ऊपर वाले में जब आप दो मेन को जोड़ रहे थे तो कनेक्टर जो था वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन था, तो जो दूसरा मेन क्लॉज जो जोड़ रहे थे वो वाली जो क्लॉज हुई उस क्लॉज को जो नाम दिया गया वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दिया गया। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर जब आपको पहचानना हुआ ना तो सबसे ज्यादा आसान पहचानने में तब हुआ क्योंकि कनेक्टर बहुत आसानी से दिखाई दिए जाने लगे। तो जिस कनेक्टर से स्टार्ट हो रहा था, तो अगर आप ये पहचान लो कि कनेक्टर सबऑर्डिनेट है या कनेक्टर कोऑर्डिनेट है तो आपको पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। उसी हिसाब से आपको यह भी पता चल जाएगा कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आप कनेक्टर के माध्यम से कंपाउंड भी पहचान सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी पहचान सकते हो, और उसी से सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी पहचान सकते हो। और ये तब पहचान पाओगे जब आपको कंजंक्शन का चैप्टर आगे चल के जो पढ़ाया जाएगा उस पर कमांड बना पाओगे, तो ये चीज वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, जैसे सी डज नॉट लाइक एप्पल्स बट सी लव्स बनानास। अब यहां पर देखना, यहां पर बात है सी डज नॉट लाइक एप्पल्स बट सी लव्स बनानास। अब यहां पे देखिए एक कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर है आगे चल के पढ़ोगे आप इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कनेक्टर यहां पे बोल सकते हो। तो इस कनेक्टर से लगा हुआ जो क्लॉज है इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हो। लेकिन अगर यहां पे देखो सी लव्स बनानास को अगर आप अलग रख दो, सी लव्स बनानास को आप अलग रख दो तो ये अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, वो बनाना पसंद करती है, तो ये मीनिंग में कंप्लीट तो है ना। तो ये अलग से इंडिपेंडेंट है, ये अलग से इंडिपेंडेंट है। इस कनेक्टर से जोड़ने के बाद ये क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो अभी की इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर ये कनेक्टर कोऑर्डिनेट कनेक्टर होगा तो इसका ये मतलब है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन किया जाएगा, बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से यहां पर देखिए, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी यद्यपि वो वेल्दी है कॉमा ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, वो फिर भी अनहैप्पी है, फिर भी वो खुश नहीं है। तो यहां पे आपका कनेक्टर है, ये यहां पे आपका कनेक्टर है। तो ये जो कनेक्टर से लगा हुआ क्लॉज होगा, क्योंकि ये आपका किस तरीके का क्लॉज है, ये आपका सबऑर्डिनेट जो है कनेक्टर है, तो ये जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये आपका क्या है, ये आपका मेन क्लॉज है। यहां पर ये आपका मेन क्लॉज है। ये जो चीज है जो यहां वाला है, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, ये जो जब भी आपका लिखा रहेगा तो ये आपका एक कनेक्टर डाल दिया गया, तो अपनी मीनिंग में इनकम्प्लीट है। तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये आपका मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब जब भी आप
पहचानने जाओगे कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचाने का सबसे सही तरीका है यह है कि कंजंक्शन पे आप कमांड बना लो। कंजंक्शन के चैप्टर पे कमांड बनने से क्या होगा कि आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहचानने आ जाएगा। तो जब भी इस तरीके के लंबे लंबे सेंटेंसेस आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे और कोई आपको क्लॉज पहचानने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले आप कंजंक्शन पहचानोगे। कंजंक्शन अगर सबऑर्डिनेट है तो सेंटेंस कैसा आएगा? कॉम्प्लेक्स। अगर कंजंक्शन आपका कोऑर्डिनेट है तो कैसा सेंटेंस बनाएगा? कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। इसी के अलावा एक और टाइप बनता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें दो मेन क्लॉज होता है, दो से अलग डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ज्यादा बड़ा क्लॉज होता है तो उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल देते हैं, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए, ग्रामर पे पकड़ बनाने के लिए काफी ज्यादा है। तो अगर मैं कोर समरी में बात करूं कि आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में जो लर्न करना था, यहां से इस चैप्टर के साथ आपको लर्न करना था कुछ बेसिक टर्म्स, वर्ड्स, फ्रेज की बेसिक डेफिनेशन, क्लॉज की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए थी, प्रेडिकेट के विषय में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि प्रेडिकेट क्या होता है और प्रेडिकेट के बाद एक्शन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट तीन तरीके के होते हैं, अदर वर्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से कंबाइन होता है, किस तरीके से सिक्वेंसिंग होती है। तो इस चैप्टर को एंड करने से पहले मैं एक छोटी सी समरी यहाँ पे आपको लिखता हूँ, जो फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, जो आपको याद रखना है। अल्टीमेटली जो आप पढ़ोगे आगे चल के वो सेंटेंस ही आपके काम में आना है, क्लॉज आपके काम में नहीं आना है। लेकिन अगर मैं मेन क्लॉज अगर आपको याद दिलाऊं और अगर इसका स्ट्रक्चर और डेफिनेशन आप याद रख लो, तो आप इसका तुरंत एक डेफिनेशन ऐसे याद रखो कि जो मेन क्लॉज होता है वो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन, और इसे ही डिकोड करते चले जाओ। जैसे इसको डिकोड करोगे तो आपको ये पता है ये सब्जेक्ट तो आपने लिया है, सब्जेक्ट के बाद आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वर्ब रख सकते हो, प्रेडिकेट सिर्फ अकेला वर्ब भी हो सकता है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये बातें आपको कोर पे याद रखनी होगी, और सबसे ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो आपके पूरे ग्रामर पढ़ने में आपका इस्तेमाल होगा। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करते वक्त आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड्स। जैसे मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, इसकी भी अपनी तीन यूनिट है, तो ये अपने आप एक बड़ा स्ट्रक्चर होने लगा। अगर मैं इसको ये बोलूं कि आप लोग इस कोर जगह पे यहां पे आज के दिन पे इसको याद रख लो कि ये फॉर्मूला है आपका क्लॉज का, या मेन क्लॉज बोलूं तो ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला, इतना बड़ा आपका कैसा है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है, तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है, या मेन क्लॉज का फॉर्मूला है, या क्लॉज का फॉर्मूला है, या आपका डिपेंडेंट क्लॉज का फॉर्मूला है, तो ये जो यूनिट है इसको एक यूनिट लो, इसको एक यूनिट लो। जब इस यूनिट को इसी तरीके के दूसरी यूनिट के साथ कंबाइन करोगे तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तो ये वाला कोर स्ट्रक्चर है जिसको आपको अच्छे से सीखना है, बाकी इसी को तो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट करते जाना है। मतलब एक यूनिट आप अच्छे से समझ गए और यही यूनिट बार 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 रख के जोड़ा जा रहा है, तो आपको सिर्फ कनेक्टर लर्न करना है। क्या अगर एक यूनिट आप अच्छे से सीख गए, इस यूनिट के विषय में पूरा सीक्वेंस इसका समझ गए और इसी यूनिट को बार 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 जोड़े जाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर लर्न करना है। इस कनेक्टर को डिटेल में और अच्छे से लर्न करना है। तो सबसे पहले जो लर्न करोगे वो लर्न करोगे ये, अगले चैप्टर में जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो इस स्ट्रक्चर को आपको कोर में याद रखना है, यही कोर स्ट्रक्चर आपके काम आने वाला है पूरा ग्रामर आपको पढ़ने में, क्योंकि बाकी सारी चीजें सिर्फ एड ऑन करना है विद दिस कनेक्टर, और कनेक्टर लर्न करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन ये है आपका बेसिक बिल्डिंग, अगर ये आपको याद नहीं है ना, फिर तो सारा रहता फैल जाना है। इसके बाद का जो दूसरा चैप्टर है वो भी आपके बेसिक्स में ही आता है, जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस पढ़ते हैं। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, अब इसके कोर में एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ये दोनों बातें आपने पढ़ ली तो बाकी पूरा का पूरा ग्रामर आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बेसिक्स सही से बिल्ड नहीं की ना,